जो वीडियो जारी किया उसका ऑडियो कहाँ है? दिखाओ ऑडियो किसके पास है? जगता बाबू राबड़ी देवी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया आपने? जगता बाबू राबड़ी देवी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया आपने? ये क्या जाने सम्मान और समर्पण में क्या अंतर होता है, लेकिन पारिवारिक परिवारवादी राजनीति करने का दुष्प्रभाव क्या होता है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कुर्सी पर बैठते थे, आए सामने वाला कुर्सी पर पैर रहता था, आज जो बड़े बड़े नेता जाते तो खड़ा रहते थे। ये लोग कितने अभिमानी हैं कि अपनी संस्कृति का अपमान करने से भी बाज नहीं आते। आपने कल देखा, मुझे गहरी पीड़ा हुई कि क्या हो गया है राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका हम सब लोग सम्मान करते हैं, आदरणीय जगतानंद सिंह जी का, हम लोग के अभिभावक हैं, उम्र दराज हैं, लेकिन पारिवारिक परिवारवादी राजनीति करने का दुष्प्रभाव क्या होता है, यह कल मुझे एहसास हुआ। और आप देखते होंगे कि माननीय तेजस्वी यादव जी का संबोधन मैं जब भी जहां देखता हूं, जैसे हम लोग लगाते हैं कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश महासचिव जी, इनका रहता है नाम लेके ही जी, मान्यवर भी नहीं लगाते। तो जो वीडियो जारी किया उसका ऑडियो कहां है? दिखाओ ऑडियो किसके पास है? माननीय नीतीश कुमार जी का ये शिष्टाचार का संस्कार है, और ये हर सभ्य नागरिक का ये संस्कार होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने में है तो उसको प्रणाम किया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है, छोटे का अभिवादन किया जाता है। लेकिन ये कैसा दौर राजनीति का चला है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रणाम कर रहे हैं और उसका जवाब भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी दे रही है प्रणाम से। अब अपनी मां को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जगता बाबू राबड़ी देवी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। प्रणाम का जवाब अगर प्रणाम हो रहा है तो ये तो राजनीति की शिष्टता है, जीवन की शिष्टता है यह। हाँ, वो दौर नहीं है, वह दौर भी इस बिहार ने देखा है और मीडिया के लोग तो इस बात के गवाह हैं कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कुर्सी पर बैठते थे, आए सामने वाला कुर्सी पर पैर रहता था, आज जो बड़े बड़े नेता जाते तो खड़ा रहते थे। वो राजनीति के सामंत लोगों का जो व्यवहार होता था, नौ सामंत का, वह व्यवहार भी बिहार ने देखा है। तो अब ये लोग कितने अभिमानी हैं कि अपनी संस्कृति का अपमान करने से भी बाज नहीं आते, सम्मान देना नहीं जानते। ये क्या जाने सम्मान और समर्पण में क्या अंतर होता है। तो जरा आज एक इनका वीडियो दिखाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।